हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास टेंथ का है इसके स्पर्श भाग दो के चैप्टर 7 कर चले हम फिदा, जिसे लिखा है कैफ़ी आज़मी जी ने, इसके पार्ट 1 को पढ़ा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको इस चैप्टर के कुछ भाग जो पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा है वो समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत, रुत यानी ऋतु या मौसम, हुस्न यानी सौंदर्य, इश्क यानी प्रेम, रुसवा यानी बदनाम, खून यानी रक्त या खून। भावार्थ है, युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं मिलते। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। अर्थात युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना ही चाहिए। आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़ चलो। तो सैनिक जो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे रहे हैं वे अपने देशवासियों से कहते हैं कि जीवित रहने के लिए तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन देश की रक्षा करते हुए मर मिटने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो ऐसा अवसर हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जवानी की अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश होता है। तो जवानी में हमें अपने देश के लिए अगर खून नहीं बहाया हमने तो वो जवानी जो है वो बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ कवि युवाओं को प्रेरित करते हुए समझाते हुए कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए और हमारी धरती ही हमारी दुल्हन है और उसी के लिए हमें, उसी की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। यह देश अब तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर चलो, ऐसा सैनिक अपने देशवासियों को कह रहे हैं। काव्य सौंदर्य है, कवि ने उपरोक्त काव्यांश में सफल प्रेम की संज्ञा उसी को दी है जो त्याग और बलिदान के पथ से होकर गुजरता है। काव्यांश में उर्दू शब्दावलियों का मुक्त भाव से प्रयोग किया गया है। भाषा प्रभावोत्पादक तथा भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। धरती बनी है दुल्हन में उपमा अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता व लयात्मकता के गुण हैं। वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिले मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह यानी रास्ता, कुर्बानी यानी बलिदान, वीरान अर्थात सुनसान, काफिला यानी यात्रियों का समूह, फतह यानी जीत, जश्न यानी उत्सव के लिए तैयार होना, सर पे कफन बांधना यानी मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। यहाँ कहा गया है कि बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय यह है कि
बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्सव पूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। तो बलिदानी सैनिक अन्य सैनिकों से कहते हैं कि मेरे प्यारे सैनिकों, हमने देश के लिए बलिदान दिया और उनकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। बलिदान देने वाले लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए अपने देश के लिए। अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के सैनिकों को कहा जाए तो वो कमी नहीं होनी चाहिए। सैनिकों के लिए अपने देश की रक्षा ही सर्वप्रथम उनका कार्य होता है, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सहर्ष खुशी खुशी अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। एक बार संघर्ष और बलिदान सैनिकों ने मना लिया, अब अगला उत्सव विजय का ही होगा, क्योंकि संघर्ष होगा, बलिदान होगा, तभी विजय भी प्राप्त होगी। और बलिदान के पथ पर हमें विजय यानी जीत अवश्य मिलेगी। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है और संघर्षशील जो नवयुवक है उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। तो मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है और आप सब इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तो बलिदान करके इस दुनिया से जा रहे हैं, अब आपके भरोसे ही हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं, आपको इसे शत्रुओं से बचाकर रखना है, ऐसा सैनिक कहते हैं। तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया, अब वे देशवासियों के भरोसे अपने देश की रक्षा चाहते हैं। काव्य सौंदर्य है, कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान के महत्व को बताया है। सरल एवं सहज भाषा के तहत उर्दू शब्दावलियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। मुहावरों का मनोहारे चित्रण किया गया है। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खून यानी रक्त या खून, जमी यानी धरती, लकीर यानी रेखा, रावण यानी रावण शत्रु, हाथ उठाना यानी आक्रमण होना, दामन यानी आंचल। भावार्थ है, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके। अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो तुरंत उसे काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना है। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। तो सैनिक कहते हैं कि सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हमें अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देनी है जिससे हमारा दुश्मन यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर सके। उनमें इतना डर पैदा कर दो कि वो हमारे देश की सीमा में कदम रखने का सोचे भी नहीं।
अगर यदि शत्रु का हाथ हमारे भारत माता की ओर बढ़ता है तो उसे वहीं पे काट डालो। भारत माता के सम्मान में कभी भी कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। जैसे श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने पापी रावण का सर्वनाश किया था सीता माता की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से हमें भी राम और लक्ष्मण बनने की सलाह देते हैं कवि के माध्यम से सैनिक, और शत्रुओं का नाश करके भारत को सुरक्षित करने के लिए अपील करते हैं भारत के यानी हम सभी लोगों से, देशवासियों से। और वो कहते हैं कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, खुद को पहचानो और खुद रक्षक बनो, खुद रखवाले बनो, क्योंकि ये जो देश है ये अब हम आपके हवाले करके जा रहे हैं, आप इसकी रक्षा करना। काव्य सौंदर्य है। कवि ने देशवासियों को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया है। सरल एवं सहज भाषा के अंतर्गत उर्दू शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस मौजूद है। भाषा में संगीतात्मकता व लयात्मकता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सैनिक हमें अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं, भारत की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।